नमस्कार दोस्तों, तनव्यूज चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। मैं आज आपको लेके जाऊंगा मुंबई के मुंबा देवी मंदिर, जिस देवी के नाम से मुंबई का नाम मुंबई पड़ा। भुवनेश्वर में स्थित ये मंदिर मछुआरों यानी कि कोली लोगों की देवी मानी जाती है। मुंबा देवी को ये लोग अपना कुल देवी मानते हैं, यानी कि मुंबई माता। इसी देवी के नाम से मुंबई का नाम मुंबई पड़ा है। ये मंदिर लगभग 400 साल पुराना है। पहले मुंबई में कोली लोग यानी कि मछुआरे लोग ही ज्यादातर जमीन के मालिक, हकाना मालिक जो थे, जमीन के लैंडलॉर्ड जो हैं वो मछुआरे होते थे कोली, और संपन्न पर पैसे वाले परिवार में पारसी लोग हुआ। कहते हैं इस देवी के दर्शन कर जब मछुआरे समुद्र में अपनी कश्ती, अपनी नाव, अपने जहाज लेके जाते थे तो उन्हें कभी भी नुकसान नहीं उठाना पड़ता। सत्रह में ये मंदिर विक्टोरिया टर्मिनस यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की जगह पर हुआ करता। जब वहाँ ब्रिटिश स्टेशन यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन बनने का प्लान बना तो अंग्रेजों ने इस मंदिर को भुवनेश्वर में शिफ्ट कर दिया, और इस मंदिर के लिए जमीन पांडू सेठ द्वारा दान की गई। आज जो भी मुंबई आता है तो एक बार तो भी मुंबई देवी के दर्शन करने के लिए जरूर जाता है। आज ये मुंबई सिर्फ मुंबा देवी की मेहरबानी पर है, और यहाँ के लोग दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर लिखिएगा। चलिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगा आपके एपिसोड किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना खूब ध्यान।